ये नाम बदल के सामान बेच लेते हैं। तुम्हें हिंदू नाम से इतना प्यार है तो घर वापसी कर लो ना। लिखा होता है स्कूल के 100 मीटर के दायरे के अंदर सिगरेट नहीं बेच सकते, फिर भी बिकती है। मतलब स्कूल का टाइम सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे आप गुरुद्वारे में क्या कर रहे हो, रोड पे पार्क में क्या कर रहे हो। लोग कहते हैं केजरीवाल का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ सिमरन और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सौगंध टीवी में। आज बात करेंगे भारत में छिड़े हुए एक मुद्दे की, जो कि है लव जिहाद। जैसे कि सर देखा गया है, 17 साल का एक लड़का इंस्टाग्राम पर नाम बदल के हिंदू नाम से जो है वो लड़कियों को फंसा रहा है, हिंदू लड़कियों को। और जब लड़की नहीं मान रही है तो उनके साथ छेड़खानी हो रही है, बदतमीजी हो रही है। और जब पुलिस में पकड़ा गया तो बताया कि नाम बदल के हिंदू आईडी से लड़कियों को पटा रहा था। एक बात बताइए, इनका तो काम ही नाम बदल के काम करना है। ये नाम बदल के सामान बेच लेते हैं। आप जैसे योगी जी ने कहा था कि अपना नाम ढाबों पे नाम लगा लो, अपनी आइडेंटिफिकेशन क्लियर करो, ठीक है। नाम होता है गुड्डू का ढाबा, राजू का ढाबा, वैष्णो ढाबा, इसका ढाबा। जब आप QR स्कैन करते हो आता है तो मोहम्मद साजिद, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद फलाना, मोहम्मद डिकना। मतलब अबे तुम्हें हिंदू नाम से इतना प्यार है तो घर वापसी कर लो ना। और एक हमारी बच्ची के साथ तुम ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो, और 17 साल का बच्चा है। सबसे बड़ी बात देखो, 17 साल अभी तो नाबालिग है वो, ठीक है ना। उसके ऊपर तो केस हो, यहाँ फिर कहेंगे जुवेनाइल में आ गया वो। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुकर्म कर रहा है तो वो जुवेनाइल है। जुवेनाइल में एक आपको ध्यान होगा, निर्भया कांड में भी एक बच्चा था जिसने भगवान बाकियों से ज़्यादा घिनौना काम उसने किया था, उसको जुवेनाइल कैसे कर दिया आपने। हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट, मतलब हमारे यहाँ का संविधान ही बड़ा गंदा है। मतलब बच्चे को पूरी नॉलेज है क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, और उसको आप जुवेनाइल कर देते हो। और हमारे यहाँ के केजरीवाल मुख्यमंत्री एक्स, उन्होंने उसको 10,000 रुपये और सिलाई मशीन भी दे दी थी। मतलब बलात्कार करो और इनाम पाओ। पहली बात तो हमारे यहाँ से जुवेनाइल का शब्द ही हट जाए। जो इतना घिनौना काम करते हैं, चाहे उसमें किसी भी समाज का हो, मैं किसी जाति की बात नहीं करूँगा, कोई भी समाज हो, चाहे उसमें मेरा समाज हो या कोई भी समाज हो, वो जुवेनाइल किस लिए है एक बात बताइए। आज के टाइम में 18 साल से कम के बच्चे को आप, 25 साल से कम के व्यक्ति को आप सिगरेट नहीं बेच सकते, लेकिन फिर भी बेचते हैं लोग, और वो लेते हैं। और लिखा होता है स्कूल के 100 मीटर के दायरे के अंदर सिगरेट नहीं बेच सकते, फिर भी बिकती है। सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या करता है, कोई आदेश पारित क्यों नहीं करता। सिर्फ दुकान में पोस्टर लग जाते हैं 18 साल से कम के व्यक्ति को नहीं देनी, फिर भी देते हैं वो लोग। क्योंकि हमारे यहाँ का संविधान बड़ा गंदा है। अगर कोई मेरे को जेल भी भेजते तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक बात बताइए, 32-32 साल एक केस को निमट जाते हैं। और ये जो आपने अभी लव जिहाद का बताया, इनका तो काम ही नाम बदल के काम करना है। उस व्यक्ति को तो सीधा जेल के अंदर डालना चाहिए, वो बच्चा नहीं है वो। और इसके साथ ही सर ये भी देखा गया है कि लव जिहाद का जो सीन है वो आज से ही नहीं चल रहा, बहुत पुराना। जैसे कि अभी बीच में आफ्ताब और श्रद्धा का भी जो है काफ़ी देखने को। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं है। योगी जी अगर ने जो वहाँ पे चलाया था ना, कौन सा वो चलाया था जो वैलेंटाइन डे पे करते थे, मजनू कुछ करके कुछ ऐसा चलाया था, ठीक है ना, वो पूरे भारत में चल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। एक बात बताइए, बोलने वाली बात नहीं है। अभी बच्चियाँ, हम तो अपने यहाँ की बच्चों की गलती कहेंगे इसमें, अपने बच्चों के परिवारों की गलती कहेंगे। पहली बात, स्कूलों में जाते नहीं है, पार्कों में बैठे होते हैं लोग। मैं खुद देखता हूँ कई बार गुरुद्वारे में, मतलब स्कूल का टाइम सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे आप गुरुद्वारे में क्या कर रहे हो, रोड पे पार्क में क्या कर रहे हो। पहली वो, फिर होता क्या है, लोग कहते हैं केजरीवाल का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है भाई, मॉडर्न थिंकिंग। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। क्या एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, मतलब कोविड पीरियड में आपने सारे काम ऑनलाइन करे, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे, तो अटेंडेंस भी आप ऑनलाइन पेरेंट्स के घर पे भेजो ना। क्या पेरेंट्स को पता तो लगे मेरा बच्चा आया नहीं आया। वो करते क्या हैं, स्कूल जाने के बहाने पार्कों में निकल गए, वही लव जिहाद है। मतलब कहीं से कहीं मिल गए, वही लव जिहाद है। अब हमें क्या पता, मैं तो कई बार टोक देता हूँ बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो, स्कूल का नाम बताओ। जय जी बोलते हैं, स्कूल का नाम बताओ, भाग लेते। सेंट्रल पार्क के अंदर आप, अब थोड़ा सा सुधार हुआ है, अब बच्चे नहीं आते हैं स्कूलों के, क्योंकि उन्होंने डंडा सख्त कर दिया। वरना क्या था, एक बच्चा मेरे को कहता, मैंने उसको बोला बेटा इधर आ, कहता मैं आपका बेटा छोड़ू, मैंने कहा तू मेरा बाप है फिर। मतलब बच्चों को ये तो पढ़ाया जा रहा है। मैंने नाम बताया ना, नाम पूछने के नाम पे भाग गया, कुछ नहीं है। लव जिहाद का तो बड़ा गंदा सीन है, और हमारे यहाँ की बच्चों को संभलना चाहिए, हमारे उन बच्चों के परिवारों को संभलना चाहिए। पहले अपने बच्चे का देखें, वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं,
ठीक है ना, स्कूल में छोटी सी बात कहूँगा मैं, इसमें राजनीतिक बात नहीं करूँगा, स्कूलों को अटेंडेंस पेरेंट्स के घर पर भी भेजनी चाहिए, वे अटेंडेंस रजिस्टर की अपनी फोटो खींच के भेज दो, ऑनलाइन तो तुम कर ही रहे हो आजकल, तुम हर चीज़ के मैसेज भेज देते हो, आज पेटीएम है, आज बच्चों के इतने फंड आपने जमा कराने हैं, ठीक है ना, पैसा लेने के नाम पे भेज देते हो, बच्चों की आप अटेंडेंस नहीं भेज सकते रोज, क्या करते हैं, बटन नहीं तो दबाना है आपको। अच्छा, संविधान को लेकर मैं देख रही हूँ कि आप नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए संविधान में, कैसा लॉ बनना चाहिए? सबसे बड़ी बात, जो अपराधी है उसको 32-32 साल कोर्ट में केस ना लड़े, जैसे कि अजमेर शरीफ का हादसा था, ठीक है, 100 लड़कियों से ज़्यादा के साथ बलात्कार हुआ था और लड़के कितने थे, 9 को पहले सजा हुई, 6 को अभी, मतलब एक व्यक्ति मेरे को कहता है कि मतलब 32 साल उन बच्चों की, 6 लड़कों की, लड़कों की जो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मतलब उन 100 परिवारों की ज़िंदगी नहीं देखी आपने, बताइए उन 6 लड़कों की टेंशन हो गई आपको, वो भी मुसलमान, मैं धर्म की बात नहीं करूँगा इसमें, मतलब की बात है मज़हब की, वो भी मतलब उन 6 की टेंशन हो गई, उन 100 की टेंशन नहीं हुई, और 100 × 200 मतलब माँ बाप भी हैं, उनके भाई बहन भी हैं, कितने परिवार ख़त्म हुए, एक बात बताइए, भगवान ना करे अगर मेरे परिवार में कोई ऐसा हादसा होता तो मेरे परिवार की किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से कौन शादी करेगा, ठीक है ना, वो कहेंगे इनका तो काम ही ये है, मतलब कलंक तो लग जाता है ना, उसकी टेंशन नहीं हो रही लोगों को, उनको 6 व्यक्तियों की टेंशन हो रही है, 32 साल किस चीज़ के लिए, मतलब कसाब वाले केस में कितने टाइम बाद सजा मिली थी, जबकि एविडेंस पूरे थे, उसको कोर्ट से लेके जेल तक और जेल से लेके कोर्ट तक टनल बना दी, खर्चा कितना किया उस पर, 3 करोड़ से ऊपर खर्चा किया था उसके ऊपर टनल पे, ठीक है ना, और उसके अगर भगवान ना करे वो अपने, और भगवान ना करे वो अपने साथ कोई हादसा कर लेता, फिर किसकी जिम्मेवारी होती, जेलर की, फिर सब नपते काय के लिए संभालते हो भाई, वो तो देशद्रोही था, तुमने उसी टाइम उसको सजा क्यों नहीं दी, 1 महीने 2 महीने मतलब 10-10 साल लगा देते हो। निर्भया वाले कांड के अंदर क्या हुआ था, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट तब भी चल सकती थी, अब भी चली, ऑप्शन तो तब भी थी, ठीक है ना, संविधान हमारा बहुत गंदा है, क्योंकि हमारा संविधान तो है ही नहीं ना, संविधान तो कॉपी पेस्ट है, संविधान तो हमारा कॉपी पेस्ट है, अम्बेडकर जी ने मतलब 2 साल के अंदर संविधान बना दिया, 3 साल में, मैं अम्बेडकर जी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संविधान इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया, मतलब 3 साल में हम संविधान चला रहे हैं, 70 साल हो गए उसको झेलते हुए, मैं एक कहावत है ना, गले पड़ा ढोल, ये वो है हमारा संविधान। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, लव जिहाद जो है हमारे देश के लिए एक दीमक की तरह है, जो धीरे धीरे करके हमारे देश को खाता जा रहा है, और ऐसे में लोगों की नाराजगी जो है वो इस चीज़ से है कि संविधान में बदलाव होने चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आप सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।